हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। आज जो मैं बताने जा रही हूँ वो ये लुक है जो मैंने वुमेंस डे के लिए क्रिएट किया था, पिंक आई शेडो, लिपस्टिक और हाइलाइटर के साथ। अगर आप जानना चाहते हो ये लुक कैसे क्रिएट किया था तो कीप वॉच। नंबर वन, वेलकम टू चब्स डायरी। हाँ जी, आई हैव ऑलरेडी प्रेप्ड और प्राइम किया है मेरे फेस को। यस, मेरे फेस पे थोड़े डिस्कलरेशन और पिंपल्स है, जो मेकअप संभाल लेगा उसको, मैं आपको बताऊंगी कैसे। सो डोंट बी सैड एंड लेट्स जंप स्ट्रेट इनटू द वीडियो विदाउट फर्दर डिले। पहले लेते हैं ये लैक्टो कैलामाइन ऑयल बैलेंस मॉइस्चराइजर। यस, मैं जानती हूँ बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने लैक्टो कैलामाइन फिर से क्यों डाला है, जबकि मैंने ऑलरेडी अपना फेस पहले से प्रेप और प्राइम किया है। मैं लैक्टो कैलामाइन इसलिए डाल रही हूँ ताकि हमें अपने मेकअप के लिए एक फॉर्म बेस मिल सके, थोड़ा डिसकलरेशन छुप जाए एंड वी कैन गो ऑन विथ अ स्मूथ ब्लेंडिंग। ये प्रोडक्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है, आर्गेन ऑयल। मैं ऑयल्स बेस मेकअप में इसलिए प्रेफर करती हूँ क्योंकि वो हमें एक नेचुरल ग्लो देती है और अपना फाउंडेशन, चाहे वो स्टिक फाउंडेशन, मैट हो या इवन मूस इन दैट केस, वो अच्छी तरह से ब्लेंड होता है और हमें एक नेचुरल लुकिंग ग्लो मिलता है ऑयल की वजह से। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ ये मेबलिन फिट मी फाउंडेशन इन द शेड 235। इसको अच्छी तरह से लगा दीजिएगा इन द फॉर्म ऑफ डॉट्स ताकि ये अच्छी तरह से ब्लेंड हो सके। अभी ब्यूटी ब्लेंडर के इस्तेमाल से मैं ये फाउंडेशन को ब्लेंड करने वाली हूँ। ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करने के दो रीजंस हैं। नंबर वन, क्योंकि ये लिक्विड फाउंडेशन है, ब्यूटी ब्लेंडर से ज़्यादा कवरेज मिल जाता है। एंड नंबर टू, ब्यूटी ब्लेंडर इज ऑलवेज वेरी ईजी टू ब्लेंड फाउंडेशन कम्पेयर टू ब्रश, इसके लिए मैं ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करने वाली हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ द मेबलिन ड्रीम मैट मूस। मैं मूस इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि मैं यूजुअली आई प्राइमर्स प्रेफर नहीं करती हूँ, मुझे लगता है वो बहुत ही ड्राई करते हैं आपके आईज़ को। एंड मूस में ऐसी कंसिस्टेंसी है जो मेरी आई शेडो को ज़्यादा मॉइस्ट रख सके एंड इट कैन ऑल्सो लेट योर आई शेडो स्टिक टू योर आईज़। बट ऑब्वियस मैं कंसीलर नहीं भूलने वाली थी। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ द मेबलिन कंसीलर इन द शेड हनी। ये कंसीलर बहुत ही अच्छा है, मैं ये कंसीलर काफ़ी यूज़ करती हूँ। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि इसको जल्दी से ब्लेंड करना पड़ता है, नहीं तो इट ड्राइज आउट रियली फास्ट। इसको मैं अपने आईज़ के नीचे डाल रही हूँ और वहाँ पे जहाँ पे मुझे स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं जो फाउंडेशन कवर नहीं कर सकती थी, उसे मैं कंसीलर से कवर अप कर रही हूँ। अभी ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर दूंगी। मेकअप में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आई शेडो एंड आई एम यूजिंग i10 कलर शेडो, जो एक ड्रग स्टोर प्रोडक्ट है। टू बिगिन विथ आई एम यूजिंग द लाइटेस्ट शेड इन माई पैलेट। सबसे लाइटेस्ट शेड यूज करेंगे हम लोग। ब्रश को थोड़े नीचे से पकड़िएगा ताकि अच्छे ग्रिप मिल सके। एक्सेस आई शेडो डस्ट कीजिएगा। अभी हम इसे अपने क्रीज में डालेंगे और अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। अभी हम अपने अंडर आई को बेक कर लेते हैं। इसके लिए कोई भी ट्रांसल्यूसेंट पाउडर का इस्तेमाल कीजिएगा। नेक्स्ट हम सबसे डार्क शेडो लेंगे हमारे पैलेट में। ये शेडो काफ़ी पिगमेंटेड है तो ज़्यादा प्रोडक्ट का इस्तेमाल ना कीजिएगा। इसे हम अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेते हैं, स्पेशली आंखों के बाहर वाले हिस्से में, दैट इज़ ऑन द क्रीज। अभी हम ग्लिटर का इस्तेमाल करेंगे। मैं यूजुअली वाइट बेस ग्लिटर का इस्तेमाल करती हूँ जो ज़्यादा शाइन दे सके पिंक पे।
इसे हम आंखों के बीच के हिस्से में डालेंगे एंड वी विल स्प्रेड इट इवन इन द कॉर्नर्स. नेक्स्ट हम बेकिंग को निकाल लेते हैं अभी, जस्ट डस्ट इट ऑफ विद अ ब्रश. माय फेवरेट पार्ट आईलाइनर, आई एम यूजिंग लैक्मे एब्सोल्यूट शाइन लाइन. इसके साथ हम पहले एक विंग क्रिएट करेंगे लाइक दैट और अभी हम इसको भरना शुरू कर देंगे. मूविंग फॉरवर्ड मैं निक्स पैलेट यूज़ करने वाली हूँ. इसमें से दो शेड्स मैं मिक्स करने वाली हूँ और इसको मैं अपने चीक बोन्स, फोरहेड, चिन एरिया एंड इवन नोज ये सब कॉन्ट्यूर करने वाली हूँ जस्ट लाइट हैंड से और ब्रश से इसको बस बफ करने वाली हूँ. ब्लश के लिए मैं बेनिफिट कॉस्मेटिक्स यूज़ करने वाली हूँ. इसे मैं चीक्स पे बस बफ करने वाली हूँ. मस्कारा के लिए मैं मेबेलिन लैश सेंसेशनल यूज़ कर रही हूँ. अभी जो डार्क शेड लिया था इसे फिर से हम ब्रश पे लेंगे और आंखों के नीचे वाले हिस्से में डाल देंगे. लिपस्टिक के लिए मैं यूज कर रही हूँ द मेबेलिन टच ऑफ स्पाइस इन द नंबर 660. फॉर द फाइनल टच हम यूज करेंगे लैक्मे 9 to 5 पाउडर. हाइलाइटर के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ 3CE स्टाइलर शिमर स्टिक. दिस हाइलाइटर इज सो ब्यूटिफुल. एंड दिस इज़ द फाइनल लुक. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है. अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. नीचे कमेंट्स में डू लीव अ कमेंट एज टू आपको ये लुक पसंद आया है कि नहीं और आप अगर ऐसे ज़्यादा लुक्स देखना चाहोगे. सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड आई विल सी यू ऑल सून इन माई नेक्स्ट वीडियो. बाय.